मार्केट में आई तेजी की वजह से घरेलू बाजार में खाने वाले तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली समेत सभी तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक बीते सप्ताह मलेशिया में खाद्य तेलों के भाव लगभग $100 मजबूत हुए। इस बीच सरकार ने आयात शुल्क मूल्य में कटौती की है। इस कटौती के तहत पाम ऑयल के आयात शुल्क में ₹307 प्रति क्विंटल की भारी कमी की गई है, जबकि सोयाबीन डिगम में ₹69 प्रति क्विंटल की और कच्चे पाम तेल के आयात शुल्क मूल्य में ₹47 प्रति क्विंटल की कमी की गई है। इस कटौती के बाद जिस सोयाबीन तेल का दाम पहले CPO से लगभग $50 अधिक हुआ करता था, वह अंतर अब बढ़कर $310 हो गया है। साल 2010 के बाद एक हफ्ते के अंदर सोयाबीन दाने के भाव पहले कभी इतनी तेजी से बढ़ते नहीं देखे गए। वही मलेशिया में CPO और पामोलियन लगभग बराबर भाव पर दिखे, क्योंकि CPO तेल पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है जबकि पामोलियन पर निर्यात शुल्क नहीं के बराबर है। वही सूत्रों ने कहा है कि CPO और पामोलियन के मुकाबले प्रति टन सोयाबीन डिगम का भाव $300 महंगा होने से CPO और पामोलियन के आयात में इजाफा होगा। सूत्रों ने कहा है कि सोयाबीन तेल तिलहन के दाम तो पहले ही मजबूत हैं और CPO का जो दाम लगभग दो महीने पहले $2,050 प्रति टन था, वह घटकर लगभग $1,030 प्रति टन रह गया था। ये अब फिर बढ़कर बता दें $1,150 प्रति टन हुआ है। वहीं सूत्रों ने कहा है कि आयात शुल्क में छूट दिए जाने के बाद तेल की कीमतें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन सरकार की रियायतों का लाभ ना तो उपभोक्ताओं को मिल रहा है, ना किसानों को और ना ही तेल उद्योग को मिल रहा है। इससे सिर्फ सरकार को राजस्व की ही हानि है। वहीं बता दें कि नमकीन बनाने वाली कंपनियों की मांग होने से मूंगफली तेल तिलहन के साथ साथ बिनौला तेल कीमतों में भी सुधार देखने को मिला। सूत्रों ने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक निरंतर घट रही है तथा बरसात के मौसम में इस साल तेल की मांग बढ़ रही है, जिससे सरसों तेल तिलहन में सुधार है। वहीं पिछले साल के मुकाबले सरसों तेल लगभग ₹30 किलो सस्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।